यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। अरे क्या बताऊँ, क्या लुट गए हम, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। अब्बा अब्बा गए, अब्बा ठीक है? अरे अब्बा को क्या हो रहा है, कमरे में बैठे अपनी किस्मत को रो रहे हैं, जाओ जाके उनको भी देख लो। लेकिन हुआ क्या है? अरे क्यों दिमाग खाए चला जा रहा है, लुट गए, बर्बाद हो गए, जमा पूंजी चली गई, तुम्हारे बाप की दुकान में डाका पड़ गया। कोई मेरे बारे में क्यों गलत सोचेगा, बुरे वक्त में अपने ही तो काम आते हैं। और कौन सा ये पैसे लेके मैं भाग जाऊंगा, पहली फुर्सत में वापस दे दूंगा। और वो मोहब्बत कहाँ गई जिसके तुम दावे करते थे? जब जेब खाली हो ना तो मोहब्बत भूखी मर जाती है रवि। नहीं बेटा, अब नसीम ऐसी भी बेवकूफ नहीं है कि ऐसी बातें करे। हम क्या सड़क पर टेंट लगा कर रहेंगे? मैं बस कह रहा हूँ आपको, मतीन के इश्क में रवि कुछ भी कह सकती है आपसे। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। थाने वाले मेरी बात ही नहीं सुनते। तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैं नाजिम साहब के साथ बैठा हुआ था? मैं जाकर फौरन मतीन को ले आता वहां से। अरे असलम साहब कैसी बात कर रहे हैं, पुलिस को देखते तो मेरा दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल घबरा गई, अजीब हालत हो गई मेरी। मैं क्या करती, आप यही पूछते रहेंगे या कुछ जाके कुछ हाथ पैर भी हिलाएंगे, देखेंगे अरे मार मार के मेरे बच्चे का क्या हाल किया होगा। अरे मतीन को गुस्सा भी तुम्हारी वजह से है, तुम हमेशा बातें करती रहती हो, सुनाती रहती हो उसे, इसी वजह से उसको लेकर गए। वाह असलम साहब वाह है। अरे मतलब कुछ भी होगा दुनिया में उसका हिसाब मेरे सर नाजिल होगा, आप यही करते रहिएगा, उठिएगा नहीं, जाके देखिएगा नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल किया होगा। उन लोगों ने पुलिस तो इतना मारती कि बात भी नहीं करने देती, आप जा क्यों नहीं रहे, किन चक्करों में पड़े ने, जाए उठे, दिन निकल आया है। अरे किससे बात करे, बड़े आदमियों के दिन 12 बजे शुरू होते हैं। ए रावी कहाँ है, रात भर निकली नहीं है, जाकर पता करो। मुझे क्या पता, क्या जरूरत है इतना पूछने की, हमें क्या काम, आपको क्या काम पड़ गया सुबह सुबह से। अरे बहू है मेरी, जाकर देखो कहीं रात भर रोती तो नहीं रही है, उसे मेरे पास लेकर आओ। नहीं है कमरे में। क्या कमरे में नहीं है? हाँ तो कहाँ गई वो? अरे मुझे क्या पता, मुझे बता के जाती है कभी वो, अरे जब दिल करता जहाँ दिल करता वो उठा के चल पड़ती है, चली गई होगी माँ के यहाँ। हैं माँ के यहाँ? ये माँ के यहाँ जाने का ये कौन सा मौका है, तुमने उसे रोका नहीं? ये असलम साहब यही घबराहट में तो ये भी बताना आपको भूल गई कि उसी चक्कर में तो पड़ी हुई थी मैं, पुलिस से तो घबरा गई थी, साथ में उस लड़की को भी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कहाँ रुके, वो तो हवाई घोड़े पे सवार होके निकलती चली गई, हाथों से छुट छुट के भाग रही थी। इसी चक्कर में तो आपको बताना भूल गई मैं कि मेरे बच्चे को पुलिस ले गई। जाएं तो सही, जाके देखें तो सही, कुछ करें। उस औरत की इतनी जुर्रत, आधी रात को लड़की को नंगे पांव नंगे सर घर से बाहर निकाल दिया, बेहुदा लोगों के काम होते हैं ये। क्या कह सकते हैं, नसीम तो पहले दिन से ही ऐसी थी। क्यों कुछ नहीं कह सकते, बेटी को ब्याहा है, बेचा नहीं है। किस कदर बेरहम औरत है ये नसीम। मैं तो शुरू से इस रिश्ते के खिलाफ थी, शुक्र है टूट भी गया, लेकिन फिर राबी ने हाँ कर दी और इसने भी तो इनकार कर दिया था। वैसे है कहाँ राबी? वो खाला दवा देकर सुलाया है, मतीन को बहुत याद करके रो रही थी, उठ जाएगी अभी थोड़ी देर में। पैसे चोरी करे उसका बेटा और मारपीट करे वो हमारी बच्ची के साथ, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मैं तो जाऊंगी उसके घर। छोड़ो साजदा, रहने दो, दफा करो, बात बढ़ जाएगी, इकबाल खुद बात करेगा। इकबाल भी कर लेगा बच्चे, लेकिन आप मुझे ये बताएं, आज उसने हाथ उठाया है, कल को मार के वो चारपाई पे डाल के भेज देगी तो क्या कर लेंगे हम लोग, बताएं मुझे। और मैं तो जरूर जाऊंगी, किसी ना किसी को तो कुछ कहना है ना। सेमी ठीक कह रही,
राबी की सास का जो दिल करता है वो करती हैं। कल को राबी को कुछ और कर दिया तो ठीक कह रही हैं, किसी ने किसी को जाना चाहिए ताकि इस मामले को यहीं रोका जा सके। बिल्कुल, मजा चखा के आऊंगी उसे। खाला क्यों परेशान हो रही है? खालू देखने गए ना मतीन को, आ जाएगा वो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे परेशान ना हूँ, मेरा इकलौता बच्चा है, पता नहीं रात से उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, किस हाल में होगा, मैं तो यही परेशानी खाई जा रही है। मैं बता रही हूँ, ये साइमा का किया धरा सब कुछ, उसी ने तावीज घंटे करवाए, मेरा तो पूरा घर गर्दिश में आ गया, क्या करूं मैं। नसीम, नसीम तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया, आधी रात को तुमने राबी को नंगे सर घर से निकाल दिया, कुछ तो ख्याल कर लेती। आराम से बात करो साजदा, आराम से बात करो, कुछ नहीं किया मैंने, खुद भागी है वो, सर झाड़ मुंह फाड़। अच्छा पागल थी वो, दिमाग खराब था उसका, जो आधी रात को वो नंगे सर नंगे पांव घर से बाहर चली गई। जरा तो ख्याल किया होता यतीम बच्ची का, अगर खुदा ना खौस्ता उसे रात के वक्त कुछ हो जाता कौन जिम्मेदार होता? अरे खुद जिम्मेदार होती वो, ये हरकतें करने वाली वो खुद है। और बात सुनो, तुम यहाँ चीखती चिल्लाती सिर्फ एक वजह से आई हो, लड़ाई डलवाना चाहती हो इस घर में इन दोनों के दरमियान, ताकि बात तलाक तक पहुंच जाए और तुम्हारे दाऊद का रास्ता साफ हो जाए, ये चाहती हो ना तुम? बस रहने दो, मतीन से तो मैं बात कर लूंगी बाद में, इस वक्त मैं यहाँ से इसलिए जा रही हूँ कि असलम भाई की इज्जत खराब ना हो। अच्छा, और अगर आइंदा मेरी भांजी के साथ कुछ भी बुरा हुआ ना तो फिर बात इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, याद रखना। अरे याद रखेंगे, जाओ यहाँ से, बढ़िया ही कहीं से आसानी से बात खत्म नहीं होगी, ये कहाँ से आ गई चट चट करती हुई? सारा खानदान लड़ाई करता है। सीमत खान, अरे कहाँ रह गया मेरा, छोड़ें दफा करें आप। अरे चुप करो, तुम तो चुप करो। तुम फिक्र नहीं करो रावी, एक बार मतीन भाई बाहर आ जाए खुद ही पूछ लेंगे पुप्पो से। ये मोहब्बत बहुत जलील कराती है, रोज मेरी आंखों से एक एक ख्वाब टूटता है, अब तो मतीन भी तलख होता जा रहा है। क्या मतलब, वो मोहब्बत, वो जीने मरने की बातें, वो सब कहाँ गई उनकी? सब बेरोजगारी के पोछ तले दब गए। करूं ऐसा कि मतीन की सारी परेशानियां खत्म हो जाए। मैं क्या करूं ऐसा कि मतीन पहले जैसा हो जाए? तुमने तो मुझे भी डरा दिया है राबी, क्या जिंदगी इतनी तल्ख है? जिंदगी तल्ख नहीं, तलखी का नाम जिंदगी। पता नहीं अब और कितनी करवाहट होगी इसमें। सबर करो आप, कुछ पुरानी रंजिशें, कुछ नए मसाइल, इंसान का दिमाग काम करना छोड़ देता है। परेशानी में ना जाने नसीम को क्या हो गया था, उसने ऐसा क्यों किया? ऐसा किया? फूफो का दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया था क्या? जवान बहू को घर से निकाल दिया, कुछ हो जाता इसके साथ कौन जिम्मेदार था? नसीम ने तो मुझे किसी से नजर मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। आपकी शर्मिंदगी से कुछ नहीं होगा पापा। बाप नहीं है तो क्या भाई को भी मरा हुआ समझा क्या?
प्लीज मुझे बात करने दे, मुझे जाके पापा से बात करनी है, वो बहुत अच्छे हैं। मां जी प्लीज मुझे छोड़े, मैं तुम्हें मना कर रही हूं, प्लीज मुझे छोड़े, मुझे बात करने दे, मैंने मना किया है, छोड़े मुझे, मैं बात करना चाहती हूं उनसे, मैं तुम्हें मना कर रही हूं ना। मैम नसीम की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा मत करें। बेटा मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसा ना करें। मुझे तो नसीम ने किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। अब जो भी बात होगी मतीन के बाहर आने पर होगी, लावारिस नहीं है ये, इसे बिठा कर खिला सकता हूं मैं। मतीन पहले ही परेशान आएगा, मैं उसे अपनी गारंटी पर ले जाता हूँ, अगर कुछ ऐसा हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। भाई मैं चली जाती हूँ, मुझे जाना है। हरगिज़ नहीं। क्यों, मैं जाना चाहती हूँ। करो, अंदर लेकर जाओ इसको। चलो राबी, चलो चलो। देखें फूफा, आप आए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन राबी को मैं आपके साथ नहीं भेज सकता, हरगिज नहीं। लेकिन बेटा। लेकिन वैकिन कुछ नहीं, सच्ची बात है, मेरा फूफो से बिल्कुल एतबार उठ गया। आज उसको घर से निकाला है, कल को आग लगा देंगे, आप और मैं क्या कर लेंगे। इकबाल सही कह रहा है, बहू को रात के वक्त घर से निकाल देना कोई मामूली बात नहीं है। आप अपने ऊपर रखकर सोचे ना, कलेजा मुंह को आता है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मतीन भी एक दो रोज में आ जाएगा, तुम मेरे साथ थाने चलो, मेरी अकेले की कौन सुनता है। जी फूफा, आप जिधर कहेंगे मैं चलता हूँ आपके साथ। बल्कि एक काम करते हैं ना, नाजिम के पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। ठीक है, मैं पता करता हूँ वो घर पर है कि नहीं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आप जा किधर रहे हैं, प्लीज बैठे बैठे, खाना खाकर जाइए, बैठिए। अच्छा आप लोग बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा लग गया पता असलम साहब, खुद गई है वो, मैंने कुछ नहीं किया। बात सुने, अगर मैंने निकाला होता तो वापस ना आ जाती, लेकिन नहीं, मैं बताए दे रही हूँ, उसका यहाँ हमारे साथ रहने को दिल ही नहीं था, इसलिए चली गई। ओहो नसीम, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। अरे अरे अरे, मैं सबर का इम्तिहान ले रही हूँ? कौन से सबर का इम्तिहान ले रही हूँ, खुद ही गए थे आप वहाँ पे हाथ पैर जोड़ने, कदमों में भी बैठे थे, सब कुछ किया, लेकिन नहीं, वो नहीं आई क्योंकि उसे नहीं आना था। अरे मैं कौन सा सबर का इम्तिहान ले रही हूँ, मेरा क्या कसूर? और क्यों निकाला था उसे घर से? अरे तोहमत लगा रहे हैं असलम साहब आप मुझ पे, इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं आप। मैं बताई दे रही हूँ, ऐसी बात ना करें जिसका कोई वजूद ना हो। मैंने नहीं निकाला, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, वो भी उसकी बदतमीजी पे बड़ी हूँ, इतना भी नहीं कहूंगी कि दफा हो जाओ मेरे सामने से। वो तो जैसे इंतजार में थी इस बात के, निकल गई अपने घर, चाहे जैसी कसम ले लें आप मुझसे। अरे किसी की कसम क्यों ले, अपनी कसम खाओ ना, नहीं पीना पानी मुझे। गुस्सा ना करें, मैं तो बात कर रही हूँ एक, और बात सुने, हमारे बच्चे की कैसी तबीयत है, कुछ पता किया आपने, नाजिम के घर गए? बच्चे का पता किया, था ही नहीं नाजिम। वाह 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 वाह, वोट लेने तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं दरवाजे पे, खुदा जाने मेरे बच्चे का क्या हाल होगा, खाना पीना भी किया होगा उस दिन के नहीं। बच्चा किस हाल में होगा, बस बच्चा किस हाल में होगा, बच्चा किस हाल में होगा। तो अरे हर वक्त जलने के लसने के अलावा मतीन के अब्बा को कुछ आता ही नहीं, सड़ सड़ के मेरा रंग काला कर दिया।
कुछ बताया इकबाल ने? नाजिम वापस आया कि नहीं? जी वहीं गए हैं, देखें क्या होता है। अल्लाह करे कामयाब हो जाए और मैं अपने घर वापस चली जाऊं। ऐसे नहीं राबी, किसी तरीके से ही भेजेंगे। खामा खामे थोड़ी रोका हुआ तुम्हें। पप्पो नहीं चाहती कि मैं वापस आऊं। राबी इकबाल ने तुम्हें इसीलिए रोका है। जो कुछ नसीम ने किया है ज़रा उसके बेटे को भी तो पता चले। अगर इस तरह से झुककर तुम्हें भेज देंगे तो सारी जिंदगी नसीम की जूतियां खाओगी तुम। मतीन ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। अम्मा बस कर दो राबी। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान, मुझे मजीद तंग मत करो। सब तंग आ गए मुझसे, लेकिन मैं तो किसी से तंग नहीं है, ना खुद से, ना मतीन से, ना पप्पू से। मी आप छोड़ें, अभी समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, आप चाय पिए। चलो उठो शाबाश, चाय पी लो, उठो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि राबी को उन्होंने भेजने से खुद ही इनकार कर दिया। उसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे भाईजान गए थे कल मतीन के ससुराल। इस जाहिर सी बात है, मिन्नत समाजत भी की होगी, हाथ पैर भी जोड़े होंगे, लेकिन डीट हो गई सायमा बेगम, नहीं भेजा। इसका तो मतलब है फिर सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। शायद अभी भी ये लाठी टूट भी जाती ना तो नसीम को अच्छे तरीके से आता है सांप को कुचलना। मगर एक बात की बड़ी फिक्र है मुझे, अल्लाह रखे मतीन एक दो दिन में घर आ जाएगा, आखिर पूछेगा नहीं वो कि राबी को क्यों निकाला घर से? क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? निकाला कहाँ, निकली है, भागी है। यकीन कर लेगा वो? बड़े सवाल है भाई तुम्हारे पास है। हर माँ को पता होता है और खास तौर पे इकलौते बेटे को कैसे यकीन दिलाना है। लाओ बीबी जल्दी ले आओ। ये ले खाला, सारे कपड़े पैक कर दिए जो जो आपने कहे थे। सारे कपड़े? टूटी फूटी चीज है ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही हो तुम? आए आए बंदोबस्त, एक को निकालने का और दूसरी को बसाने का। लाओ जरा देखो तिया पांचा करके आऊं। मैं ले जाती हूँ आप कुछ है? लाओ चलो। अरे है क्या इसके अंदर, खाली तो ढोल हिल रहा है। चलो संभालो इसे। बड़ा शौक है ना तुम अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखने का, अब उसके सामान को भी दिल से लगा के रखो। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। राबी जरा देखना, दूध रखा है मैंने चूल्हे पर, उबल ना जाए। संभालो इसे। बड़ा शौक है ना तुम अपनी बेटी को कलेजे से लगा के रखने का, अब उसके सामान को भी दिल से लगा के रखो। नहीं जरूरत है हमें घटिया चीजों की।
बात तो हो गई थी हमारी असलम भाई से, बताया नहीं उन्होंने तुम्हें? बताया था, लेकिन मेरा बेटा इतना गिरा पड़ा नहीं कि तुम्हारी बेटी के आगे आके हाथ पैर जोड़े। कमी नहीं है मेरे बेटे को लड़कियों की। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया, लेकिन ये क्यों भूल गई कि वो तुम ही थी जो टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए आई थी मेरे पास मिन्नतें करके हाथ जोड़कर। गलती हो गई थी बीबी, गलती हो गई थी मुझसे। उस वक्त को कोस रही हूँ जिस वक्त मैं मतीन की बातों पे आके तुम्हारे घर आई थी। मैं भी कोसती हूँ उस दिन को जब तुम्हारे टटपूंजिए बेटे को अपनी बेटी दे दी, इसीलिए उसकी घर में कोई हैसियत नहीं। जाने क्या होता है, दिल हद से गुजर जाता है। जिस तरफ यार की चौखट हो उधर जाता है। दिल की हालत को बताए तो बताए सौ दफा जीता है सौ मरतबा मर जाता है। पुलिस वाले तो झूठे मुकदमे भी डाल देते हैं, अगर मतीन के साथ भी कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा उन्होंने कर दिया तो क्या होगा फिर? अल्लाह ना करे अम्मी, आप दुआ करें ना। दाऊद बता रहा था उसके एक दो जानने वाले हैं पुलिस में, आज बात करेगा, हो सकता है कुछ हो जाए। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है, मतीन इतनी बड़ी हरकत कर सकता है? अरे नहीं अम्मी, वो कहाँ ऐसा कुछ करेगा। पुलिस वालों से झगड़ा कर लिया था उसने, इसलिए उठा के ले गया उसे बदला लेने के लिए। अच्छे भले ठंडे मिजाज का लड़का था, ये नसीम की वजह से ना उसके मिजाज में जहर भर गया। राबी कहाँ है? उसने कहाँ जाना है? अपने कमरे में है, लेटी हुई है। सलाम अलैकुम। क्या कुछ बना कहा नाजिम ने? क्यों करेगा नाजिम कुछ भी, उसका बेटा था वो। यहां पर रिश्वत, पर्ची, सिफारिश, ये सब चलता है अम्मी। इकबाल, और तुम्हारी कोई थाने में वाकफियत नहीं है? जेब में लाख दो लाख होगा ना मेरे, सारी वाकफियत निकल आएगी मेरी। क्या जरूरत थी पुलिस वालों के मुंह लगने की भला? कौन लगता है पुलिस वालों के मुंह? भाई भाई मैं जानती हूँ मतीन बेकसूर है, वो बेकसूर है, प्लीज कुछ भी करके उसे थाने से छुड़वा दे प्लीज। वो कभी भी डाका नहीं डाल सकता। रोने से मसले हल नहीं होते बेटा, अल्लाह बेहतर करे।
सर मैंने आपको बताया ना कि मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। बकुए के वक्त मतीन इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, मैंने खुद उसे रास्ते में देखा था और उस वक्त मैंने एटीएम यूज़ किया था, ये उसकी रिसीट भी है। प्रोफेसर साहब यकीनन आपने उसे देखा होगा, तभी तो इंटरव्यू में रह गया बच्चा, वरना बाप की दुकान में चोरी नहीं करता। नहीं सर ऐसा नहीं है, अभी तक तो इंटरव्यू का रिजल्ट भी नहीं आया और उसकी तो बाइक भी ख़राब है। आप जिस हवाले से आए मैं उस शख्स की बहुत इज्जत करता हूँ, वरना मैंने अच्छों अच्छों को छठी का दूध याद दिला दिया। सर आपकी बड़े नाइत होगी अगर आप उसे हमारे साथ जाने दें, आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फजलदीन जी सर जाओ जरा उस नमूने को लेकर आओ। ओके सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर मेरे लायक कोई भी खदमत हो तो हुक्म करें। देंगे मौका देंगे। सर आइंदा कोई शिकायत मिली ना तुम्हारी तो जमानत नहीं होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। नसीम नसीम अरे देखो कौन आया है। नसीम अल्लाह हाय मेरा बच्चा। देखो कौन है। हाय माशाल्लाह अरे मेरा बच्चा मेरा शहजादा मेरा गुंडा राजा। मैं बहुत परेशान हो गई थी अम्मा बहुत परेशान। शुक्र है मतीन तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना। राबी कहाँ है। अरे सारा कुछ यहीं पूछोगी या अंदर आने के लिए भी कहोगी। 100,000 दफा अंदर आए मेरा बच्चा शहजादा मेरा। चल चलो 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 चलो। ये क्या लाए आप। अरे ये मैं गोश्त लाया हूँ ना। ये गोश्त लाया हूँ, इसकी जखनी बना के मतीन को देनी है, इसका खास ख्याल रखना है। हाँ ये लो। अरे मुझे बता रहे खास ख्याल रखना, जल्दी से अच्छी चीज बनाना। बात सुनो हल्दी दूध भी बना दो। हाँ मैं अभी जाओ ना। चलो आओ। राबी कहाँ है। अब बुलाते हैं, यही होगी। आज तुम तो आना अंदर। आज आज शाबाश। आराम आराम से आराम आराम से आजा। मेरे बच्चे को है मेरा शहजादा, पता मैं इतना याद कर रही थी। असलम साहब बताए ना इसे कहाँ। इधर आओ ना इधर उधर जाना ना। आज आ जाइए अपने कमरे में। क्या करना है तुम। सर में दर्द तो नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे मुझे दबा दूं अपने बच्चे का। छोड़ा है घर। क्यों क्या मतलब है क्यों। इकबाल भाई ने कहा था ना मतीन आ जाएगा तो मैं अपने घर जाऊंगी, और मुझे जाना चाहिए, उसे मेरी जरूरत होगी। राबी मतीन अपने घर आया है, उसे अगर तुम्हारी जरूरत होगी तो वो तुम्हें लेने यहाँ आएगा। सारा ठीक कह रही है, चलो
अंदर रखो अपना सामान। लेकिन इकबाल भाई ने कहा था कि जब मतीन आएगा तो मैं जाऊंगी। हाँ तो चली जाती अगर वो खुद लेने आता। आखिर वो घर आया होगा, उसे पता चला होगा कि तुम घर पर नहीं हो, तो उसे खुद आना चाहिए था ना तुम्हें लेने। अगर पप्पू ने उसे ना आने दिया तो क्या मैं अपने घर नहीं जाऊंगी? और उस दिन तो वो इतनी अजीब अजीब बातें करके गई थी वो। अच्छा राबी कुछ नहीं, अभी इकबाल आता है ना तो करते हैं बात, अभी तुम अंदर जाओ। देखो राबी बेटा, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, यहाँ बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक कर फैसले करने पड़ते हैं। नसीम ने तुम्हें घर से निकाल दिया, वो भी आधी रात को, ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर वो किस तरह से तुम्हारा सामान फेंक कर गई, तुम कोई लावारिस हो? ये ठीक है बेटियां अपने घरों में आबाद अच्छी लगती हैं, लेकिन घर वाले भी तो मोहब्बत और कदर करने वाले हो ना। देखो बेटा, हमने मतीन के साथ कोई लड़ाई थोड़ी करनी है, हम उसे समझाएंगे, आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? जैसा आप बेहतर समझे। काश ये बेहतरी तुम पहले समझ जाती। सारा उसे लेकर जाओ कमरे में, जाओ बेटा जाओ। शाबाश, चलो आओ, छोड़ो आओ, चलो शाबाश, चलो चलो अंदर। क्या बात हो गई? मुझे तो ये कह के गई थी कि भाई मैं इकबाल से बात करने जा रही हूँ अपने भाई से मतीन के लिए, और घर जाके पता नहीं माँ बहनों को क्या लगाई बुझाई की है कि वो तो मेरे वैर हो गई बिल्कुल, पता नहीं भरी बैठी हुई मेरे खिलाफ। कह रही है, पता क्या कह रही तुम्हारी बीवी? कह रही मैंने मारपीट के निकाला, अब तुम्हारे मां से एक बात कहना, अपने इकलौते बेटे की बीवी को मैं मारूंगी। मेरा दिल इतना पत्थर है कि मैं चाहते बेटे की बीवी को मारपीट के निकाल दूं। और तुम्हारे अब्बा यकीन करो वो भी गए वहाँ पे, हाथ पैर जोड़े, हर तरह की मिन्नत समाजित कर ली, लेकिन उसने नहीं आना था, नहीं आई। और जब वो वहाँ से आए ना तो वो जिन बन कर आए, बस नहीं चल रहा था कि मेरी चुटिया पकड़ के तलाक दे कि मुझे घर से बाहर निकाल दे। खुदा जाने क्या चल रहा है, क्या वो दो रही है कि वो साजदा आ रही, वो तो ऐसे चढ़ चढ़ कर आई मुझ पर, कहते ला हमारी चीज़ें दो, लो जो हमने चीज़ें दी हैं, ये नहीं पता कि फटी पुरानी चीज़ें दी। मैंने भी कहा भैया ले जाओ, कहती है सुन लो कि टटपूंजिए के साथ मेरी भांजी का गुजारा नहीं। और यही अल्फाज, यही अल्फाज तुम्हारे साले के भी थे, वो साला बन के रह गया, उसको भी नहीं पता कि मैं उसकी पुप्पो हूँ, उसकी पुप्पो के घर उसकी बहन आई भी है। कह रहा नहीं बाहर आ जाए मतीन तो मैं पक्की बात करूँगा। अब तुम बताओ, अब तुम अंदाज़ा लगाओ, तुमने भी दुनिया देखी, पक्की बात का मकसद क्या है? तलाक ना है ना, ठीक है इनकी शक्ल है ये तलाक। मैं तो कह रही हूँ कि तुम उस लड़की के हाथ में पर्चा थमाओ, क्योंकि मेरे बच्चे को ना लड़कियों की कमी नहीं है। हाँ तुम उसे कभी भी नहीं दूंगी। जैसा है मत तेरा सत्यानाश जाए। क्या खुल के मेरे बच्चे को पिला दिया कि छोड़ने का नाम ही लेना गवारा नहीं करता। मेरा नाम भी नसीम नहीं, जरा भी तुम्हें धक्के दे के घर से बाहर ना निकलवाए, जैसे तुमने मेरा कलेजा चबा है। लोग मिलके जो बिछड़ते हैं ये क्यों होता है? क्यों होता है? बसते आंगन जो
उजड़ते हैं, ये क्यों होता है? क्यों होता है? रास्ते मंजिलों से दूर ही क्यों रहते हैं? पांव जम के जो उखड़ते हैं, ये क्यों होता है? क्यों होता है? प्यार जाने वाला जुनू है, क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? जिंदगी आजजी है, सरकशी है या जुनू है? प्यार होना भी न होना भी जुनू होता है। क्या हुआ, हो गई बात मतीन से? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अपनी चालों से मेरा घर नहीं बसने देंगी, उजाड़ देंगी मेरा घर। ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। प्यार मेरा जुनू यार, मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है। क्या ये दीवानगी है, आशिकी है या जुनू है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जिंदगी आजजी है, सरकशी है या ये गुल खिला के गई है। तो फिर मैं जाके बात करता हूँ, मामी ने क्या बात करनी है? डरता नहीं हूँ किसी से। बात डरने की नहीं है। अरे अरे, हमारे ही घर आके हमें उल्टी सीधी सुना के हैं, हम पे झूठे इल्जाम लगा के चली गई वो, और हम ही उनके घर जाएं बात करने के लिए? कोई जरूरत नहीं जाने की, बिल्कुल बिल्कुल कोई जरूरत नहीं जाने की। बिल्कुल ठीक कह रही है खाला। कुछ भी था ना मतीन, राबी को चाहिए था कि साजदा खाला को यहाँ ना भेजती। पता है खाला कितनी बेइज्जती करके गई है, मेरा भी लिहाज नहीं किया, बंदा आस पड़ोसी देख लेता है। अरे वो इतनी चंट औरत है जिसका नाम साजदा है, राबी की खाला, वो आस पड़ोसी देखने आई थी, तुम्हारे सामने इस चीज सुना के गई है कि आस पड़ोस वाले पूरे महल्ले में बात फैलेगी। ये नहीं पता कि अपनों से बेहतर हमारे गैर हैं। अरे इस घर की इज्जत इसे अपने घर की इज्जत से ज्यादा प्यारी है। तो इसलिए उन्हें बताने जा रहा हूँ कि अगर अपनी बेटी इतनी मोहतबर है उन्हें, तो फिर रखे अपने पास, हमें भी कोई जरूरत नहीं है उसकी। नहीं तो मैं वहाँ जाके अपनी इज्जत घटानी जरूरी है? वो वहाँ पे अकड़ कर बैठी है और तुम उसके पीछे पीछे जाओगे? कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि उसका फोन भी ना उठाना, और कहा तो पता चले उसे उसकी। बिल्कुल ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे वो सारी की सारी औरतें बड़ी बतखों की तरह चैचा चैचा करके तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। बेरी का झाड़ है झाड़, बैठ जाओ यहीं पे, बैठ जाओ यहीं पे। तो फिर क्या करें, उसे घर तो वापस आना है, ये मसला कैसे हल होगा? तुम बैठो, दो घड़ी बात सुनो, तो मसले का हल निकालू ना मैं। मसले का हल तो यूं निकलेगा, यूं दो दिन बेगम साहिबा को वहां छोड़ेंगे ना, लग पता जाएगा उन लोगों को राबी बेगम का, ये मैके वाले उसके सर के बल छोड़ के जाएंगे यहाँ पे। देखो बातों बातों में चाय ठंडी बर्फ हो गई बिल्कुल। मैं भी गर्म करके लाती हूँ। अब आसुन, वो हलवा भी लाना जो मतीन के लिए बनाया तुमने। जी। तुम तो बैठो, पिला बजे का बोझ सर पे मत लो, बैठ जाओ। मैं कह रही हूँ ऐसा जबरदस्त हलवा बनाया, बैठो तो सही मेरे पास, बैठ जाओ। शाबाश शाबाश, ऐसे अंदर उसके बादाम खोपरा सब डाल के बनाया उसने हलवा। अब इतनी सोच में मत पड़ो। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। प्यार मेरा जुनू है, यार मेरा जुनू है, इंतहाओं से आगे जाने वाला जुनू है, क्या ये दीवानगी?